हेलो एवरीवन सो अब हम स्टार्ट करेंगे शीट पाइल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू मार्क्स के एक ही क्वेश्चन है अगेन लास्ट आपका 2003 में पूछा गया उसके बाद कोई पूछा नहीं गया ठीक है अब ब्रेस्ड कट 5 मीटर वाइड एंड 7.5 मीटर डीप इज प्रपोज इन अ कोजन लेस ऑयल कोजन लेस ऑइल तो कोजन लेस क्या होता है ये आपका सैंड रहता है ठीक है ये ध्यान रखना और इसका डायमेंशन क्या है फाइव मीटर डीप और सेवन मीटर सॉरी फाइव मीटर वाइड एंड सेवन मीटर डीप तो ये कुछ ऐसा हो गया इसका विथ कितना है ये आपका 5 मीटर है ये आपका हाइट कितना है ये आपका 7.5 मीटर हो गया सॉइल कौन सा है? कोर्जन लेस इज सेंड, ठीक है डिपॉजिट द फर्स्ट रो ऑफ स्टर्ट इज टू बी इंस्टॉल्ड एट अ डेप्थ ऑफ पॉइंट फाइव मीटर बिलो ग्राउंड सर्फेस मतलब जो पहला रो है ना वो कहाँ पर किया गया है जो आपका ये ग्राउंड सर्फेस है उसके आधा मीटर नीचे पॉइंट फाइव मीटर नीचे तो यहां पर क्या है यहां पर एक स्ट्रट है एंड स्पेसिंग बिटवीन द स्ट्रट शुड भी वन पॉइंट फाइव मीटर जो दूसरा शर्ट है स्ट्रट उसका स्पेसिंग क्या है आपका वन पॉइंट फाइव मीटर है इफ द हॉरिजॉन्टल स्पेटिंग ऑफ स्पेसिंग ऑफ द शर्ट इज ट इज 3.5 मीटर तो सपोज ये आपका स्पेसिंग है 1.5 मीटर तो ये आपका वर्टिकल स्पेसिंग हो गया तो ये जो स्पेसिंग है वो ये आपका 1.5 मीटर है ये जो स्पेसिंग है अगर दिया है कितना हमें दिया है ये नहीं बोला गया है ठीक है तो सपोज आपका हम लेते हैं कि तीन में तो ये आपका वन मीटर है अगर पीछे देखे अगर रो वाइज मतलब आपका हॉलिजोंटल स्पेसिंग आपका फर्स्ट एंड द स्पेसिंग बिटवीन द दर्ट शुड बी वन पॉइंट फाइव मीटर सॉरी द फर्स्ट ऑफ द स्ट्रट शुड बी वन पॉइंट फाइव मीटर बिलो ग्राउंड सर्फिस ठीक है एंड स्पेसिंग बिटवीन द स्टर्ट शुड भी वन पॉइंट फाइव मीटर स्पेसिंग बिटवीन द शर्ट स्ट्रट शुड भी वन पॉइंट फाइव मीटर ठीक है इफ द हॉर्जेंटल स्पेसिंग ऑफ द स्ट्रट्स इज थ्री मीटर मतलब अगर इसके पीछे जो स्टर्ट होगा तो उसके बीच का जो आ, अगर हम स्पेसिंग देखें वो कितना होगा वो थ्री मीटर हो जाएगा तो सपोज हम इधर से देख रहे हैं और इसका हम फिगर बनाए सपोज नाइन स्टर्ट्स हैं तो एक हो गया यहाँ पर रो ये फर्स्ट रो हो गया ये आपका सेकेंड रो हो गया ये आपका थर्ड हो गया तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितना बोला है ये आपका थ्री मीटर बोला गया ये है ये थ्री है वर्टिकल कितना है आपका वन पॉइंट फाइव मीटर तो ये आपका एक्स हो गया ये आपका वाई हो गया ठीक है एंड द यूनिट वेट ऑफ द डिपॉजिट इज ट्वेंटी न्यूटन पर मीटर क्यूब आपका गामा दिया है ट्वेंटी आपका वाटर टेबल दिया है कि ऊपर वाटर टेबल नहीं दिया ध्यान रखना ये आपका भले इफेक्टिव बोला गया लेकिन वाटर टेबल कहा नहीं दिया तो हम क्या ज्यूम करेंगे वाटर टेबल बहुत डीप में है

P -a, pressure. Force force पी डैश ए प्रेशर फोर्थ निकालना है फोर्थ किससे डिनोट करें सपोज पी से तो ये क्या P -a into area. Okay. तो k, हो जाएगा पी डैश ए इंटू एरिया ओके तो प्रेशर आपका पॉइंट सिक्स फाइव के गामा एच के कितना हो जाएगा के आपको पता है वन माइनस साइन फाइव बाय वन प्लस साइन फाइव फाइव कितना है आपको थर्टी सिक्स डिग्री यहाँ पर थर्टी सिक्स पुट करोगे तो आपको के ए मिल जाएगा पॉइंट टू फाइव नाइन सिक्स तो आपको पॉइंट सिक्स फाइव के ए पता है गामा पता है एच पता है आपको एरिया पता है एक्स इंटू वाई ठीक है इसको सब्सिट्यूट करते हैं ये हो जाएगा हो जाएगा सॉरी ये यहाँ पर पॉइंट टू फाइव नाइन सिक्स इंटू आपका गामा गामा है आपका ट्वेंटी हाइट है आपको पूरा डेप्थ सेवन पॉइंट फाइव मीटर पॉइंट सिक्स फाइव के गामा एच इन टू एक्स इन टू 1.5 ये हो गया ये आपका 4.5 हो जाएगा ये 20 तो ये हो जाएगा इज़ ये आपका 90 हो गया है ना तो 90 इसको सॉल्व करते रहना आपका ये पॉइंट फाइव इंटू नाइन हो जाएगा ऐसा करके तो ये आप 750 फिफ्टी माइनस सेवेंटी हो जाएगा ठीक है ये आप पूरा सॉल्व कर लेना ये आपको मिलेगा वन वन थ्री पॉइंट एट नाइन एट नाइन नाइन फाइव ये होगा तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा वन थर्टीन पॉइंट नाइन ये हो जाएगा अप्रोक्स वन थर्टीन 0.9 अब आपका यूनिट क्या है यहाँ पर गामा का यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर क्यूब मीटर पर मीटर क्यूब है तो ये आपका मीटर के ऑलरेडी कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा आपका किलो किलो न्यूटन फोर्स का यूनिट क्या रहता है ये आपका न्यूटन में रहता है ठीक है एक्स वाई एरिया हो गया ये आपका मीटर स्क्वायर ये मीटर तो मीटर क्यूब यह आपका पर मीटर क्यूब से कैंसिल हो गया सो आपका सी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है सो यहां पर आपके जियोटेक्स के सभी चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं प्लस आपका सभी न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट होता है अगर पूरे सिविल में अगर हम देखें कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है तो वो आपका सॉरी सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है वो आपका जियोटेक ही है है ना जियोटेक इसमें आपका बेस जो सेकेंड चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे भी यूज आया है और आपके दूसरे चैप्टर्स में भी यूज आता ही रहेगा अगर वो याद नहीं है तो आगे के चैप्टर्स हो सकते हैं कि आपका कहीं मुश्किल आ जाए तो सेकंड चैप्टर तो करना ही है ठीक है डबाले उसे डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछा गया आगे पूछा गया फिर आपका कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन अगर ये बोलो तो ये तो पूरा सिविल का ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से बोलो कि पूरे सिविल में इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आना ही आना है ठीक है उसके बाद आपका कंसोलिडेशन के बाद था हमारा कॉम्पैक्ट सॉरी ये आपका कुछ चैप्टर नाम याद नहीं आ रहा है मुझे ठीक है उसके बाद कुछ लाइन से तीन चार चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है आपका अर्थ प्रेशर हो गया फिर आपका बियरिंग कैपेसिटी फिर आपका पाइल फाउंडेशन तो ये सब जो चैप्टर्स है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स ये सब भी आपको इम्पॉर्टेंस देना है ठीक है तो ये ज्योटेक बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जरूर आएगा इसको अच्छे से फोकस करना फॉर्मूलाज फॉमूलाज आपको बिल्कुल ही याद करना है इसको रिवाइज करते आना तभी याद होगा दो तीन दिन तो लगातार याद करते रहो तब आपके दिमाग में सेट होगा अच्छा ये भी हम पढ़े ठीक है अगर ये अगर भूलते जाओगे तो कोई इसका पूरा मेहनत आपका वेस्ट चले जाएगा अगर फॉर्मूला ही याद नहीं होंगे सो so, इसको प्रिपरेशन आपको ढंग से करना है ठीक है थैंक यू वेरी मच